धक्का मारा, मतलब गिर गया बस वही माँ हमारा दम तोड़ दिया। किस चीज को लेकर ये विवाद चल रहा था? जमीन का, जमीन का विवाद चल रहा था। कितने सालों से? पांच सालों से चल रहा था। कौन लोग थे ये लोग मारने वाले? मारने वाले हमारा दादा, उसका दादा ऐसे भाई था, उसका दादा हमारा दादा। जमीन में पूर्व से विवाद चलता है? विवाद चलता है। पांच लोग उसके पास कागज मांगा, वो नहीं दिया। हम लोग हमारे पास मांगा, हम कागज दे दिए। ये कौन है जो मरी है? ये हमारी माँ है। क्या नाम है इनका? पूर्णे देवी। आपका क्या नाम है? भोला विश्वास। दोनों पार्टी को कहे कि तुम लोग कागज निकालो। जो वकील ने मशवरा करेगा उस मशवरा पर कल जा करके तुम लोग अपना अपना जमीन को विवादी को हटा लो, अपना अपना घर उठा लेना। ये पार्टी तो कागज दिया, ये पार्टी कागज नहीं दिया। जो पार्टी को मार किया वो कागज नहीं दिया। कागज नहीं देने कारण वो जो टट्टी उट्टी जो बांध रहा था, वो टट्टी उट्टी बांधने के बाद उस सबका हाथ में हथियार उथियार था, बांस काठी लोग का जमे था, उस जगह वो टट्टी लगाने भिड़ गया तो वहां मारपीट शुरू हो गया। और हमारे सामने में सरपंच भी था हमारे साथ। कितने बजे का मामला है ये? सात बजे का मामला है। अंगन ढूक के घर ढूक 20-25 आदमी आके लाठी सटा ले को हमारा सास जी को मार दिया, माथा में चोट लगा तो सास जी मर गया। किस मामले को लेकर विवाद चल रहा था? जमीन के लिए, घर उठाने नहीं दे रहा है सर। पूर्व में भी इस तरह का कुछ वाक्य हुआ था? पहले भी इस तरह का कोई मामला हुआ था? पहले भी हुआ था, पहले भी वो टट्टी लगाया था। हम लोग कहने के सामान उठाएंगे, वो भी हमारा देवर को फरसा लेके माथा फोड़ दिया। नाम बताइए अपना। गुंजारी मेंबर साहब को कहते हैं कि इतना रूसी आने की विवाद जो चल रहा है तो आप लोग बैठ करके काहे न हल कर देते हैं। तो बोला कि अच्छा हो जाएगा। तो हम कहे कब होगा कि नहीं इसको पहले टट्टी लगाने दो बासों को। कहले कि उनको जब खुट्टा नहीं करने दिया, सहमान लगाने के लिए नहीं दिया, तो उसको कैसे टट्टी लगाने के लिए दिया? तो इस पर आने की सरपंच साहब था जो आने के हमारा साला के ऊपर वो थप्पर बोला कि देखते हो थप्पर। तो इसमें उनको हिंस मिल गया। वो कहा कि उठाओ टट्टी। तो टट्टी में खुट्टा बांस कत्ता ये सब आने के उसका निवेदन था कि इसको जान से मार देंगे, न बांस रहेगा न बसली बजेगा। तो उठाया तो प्रदीप को मार दिया, तो हम देखे मुंह में पूरा खून लगा हुआ, तो हम उसको फट गया तो ऊपर, लेकिन बांध दिया हम कपार में। और मेंबर सरपंच साहब को हम कहते हैं कि सरपंच साहब फोन कीजिए। सरपंच साहब वहां से भाग गया, फोन नहीं किया वो। तो उसके बाद में हम जाकर के आने के ससुर को उठाने के लिए गए, तो हम सोचे कि वहां ढेर आदमी है, हमको भी मार देगा। हम वैसे खड़ा रह गया, 5-7 आदमी उनको गूंत रहा है, और इनका प्रदीप का पत्नी को मार रहा है, और भोला का पत्नी जो दौड़ करके भाग करके हमरे साइड में आया अपना आंगन में, तो अनिल आकर के आने के चार